और इसीलिए जोंक आजकल मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी मिल ही रहे होंगे, अमेजन वगैरह पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, अमेजन पर लास्ट टाइम भी मिलेंगे कुछ दिनों में। इतनी सारी चीजें बिक रही हैं जिनकी कोई कीमत, गाय का गोबर बिक रहा है, गाय कह रही है कि करोड़ों का नुकसान तो मैंने कर दिया पहले, मुझे तो ये बिजनेस का आइडिया ही नहीं था, मैं तो रोड पर यहां वहां करती रही, नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया होता। और बिक रहा है, उसको उपले बना रहे हैं, और क्या क्या बेच रहे हैं, मैं हैरान हूं, आम के पत्ते बेच रहे हैं, बिक रहे हैं ना आम के पत्ते, अमेजन, अमेजन का नाम सुना है? हाँ तो सुना है, तो ऐसे भाव से मत देखो कि मैं क्या बात कर रहा हूं, बिकता है ये सब वहां पर, आपको जो भी जरूरत हो, नहीं भी जरूरत हो, सर्च करिएगा सब कुछ मिलेगा। एक दिन देखा मैंने, चारपाई बिक रही है। अब ये वो चारपाई है जो गांव के लोग कब के छोड़ चुके हैं, जो पुरानी चीज है। चारपाई का मतलब होता है कि मतलब एक रस्सी से, है ना, हाँ खाट, ये रस्सी से, अरे पता नहीं भाई, आप लोग इंटरनेशनल लोग हैं ना, तो रस्सी से इसको ऐसे बनाया जाता है, ये बनाने, अब ये कला है। अब उन कलाकारों को कुछ कंपनियों ने हायर कर लिया, जैसे हमारे गांव में 3-4 लोग इसको बनाते थे, जिसमें 2 गुजर चुके और जो 2 बचे हुए थे, मैंने पूछा कहाँ काम करते हो, तो बोला कि वहीं पर टाउन में किसी ने शुरू किया है, इसी तरह की कोई फर्नीचर की दुकान खोली है उसने, वहीं पर उनको 10-20-25 हज़ार रुपया महीना देकर ये बनवाता रहता है, खाट बनवाता रहता है, और इन खाट को बेचता है, और अंग्रेजी में ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है कि इस पर सोने से आपकी जिंदगी के सारे तनाव, सारी समस्याएं, रीढ़ की हड्डियां, नींद, अनिद्रा, अगर बच्चों को नौकरी नहीं लग रही है, वो सारी चीजें इस पर सोने मात्र से गायब हो जाएंगे। मैंने कहा कमाल है यार, क्या मार्केटिंग है इसका, मैंने कहा तुम्हारा सेल कितना है, बोला कि महीने में 4 या 5 तो बिक जाते हैं। मैंने कहा कितने के बेचते हो, कह रहे कि पहले लिखते हैं इसका रेट 15 हज़ार और इसको काट देते हैं, फिर लिखते हैं 5 हज़ार। तो खरीदने वालों को ये लगता है कि 15 हज़ार वाला माल मिल रहा है कितने में, 5 हज़ार, इसको तो ले ही लो, जरूरत नहीं है उसको, जगह भी नहीं है उसके घर में, डर ये है कि 5 हज़ार वाला फिर से कितने का हो जाएगा, 15 हज़ार। ये होती है मार्केटिंग। मैंने कहा गजब, एकदम छाए हुए है गुरु। तो ऐसी ऐसी चीजें अमेजन पर मिलती हैं, क्या नहीं मिलता है जिन चीजों को, ये शहरीकरण का प्रभाव है। यही क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार पूछा गया था, तो जिसको सुनकर हंसी आ रही है, यूपीएससी में कलेक्टर बनाते हैं ऐसी चीजें, कि ग्लोबलाइजेशन का, वैश्विक मार्केटिंग का, वैश्विक विपणन का क्या प्रभाव पड़ा है भारत के समाज पर। तो समाज पर यह पड़ा है कि गोबर भी केक बन गया है, और क्या है, बिक रहा है तो केक ही बना है, उसको कहते भी हैं मेरे ख्याल से काऊ डंग केक, क्योंकि उपले का अंग्रेजी और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कई व्यक्ति भी ऐसे हैं जो गांव से आकर शहर में केक बन जाते हैं, ठीक है चलिए। खैर, परजीवी शंकु की हम लोग बात करें, तो परजीवी शंकु का मतलब होता है कि जिसका अपना कोई लावा का सोर्स नहीं है,